और खाना तो बना क्या? अरे आज तो पराठे बन रखे हैं, देख रहे हो? तो पापा टेस्ट करेंगे या फिर हमें बताएंगे? बढ़िया रे, बाय बाय। तो वेरी वार्म एंड फ्रेश मॉर्निंग ईच एंड एवरीवन, वेलकम टू हर्षीज व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आशा करें सभी अच्छे होंगे। मैं ही बहुत अच्छी हूँ। आप सब लोग को प्यार, आप सब लोग को आशीर्वाद ऐसे ही मुझे बना रहे। और जैसे आप सभी को पता है आज है मंडे और आज है फर्स्ट, तो आज देखते हैं हम दिन भर में क्या करते हैं। फिलहाल तो पूजा पाठ कर लेते हैं, नहा धो के आए हैं, पूजा पाठ करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि कहीं मंदिर जाना होता है या फिर घर में क्या होता है वो देखते हैं। और यहाँ हो चुका है मौसम बिल्कुल ख़राब हो रखा है। रात भर से बारिश थी, बहुत तगड़ी बारिश हो गई थी। सो अभी मौसम वैसे हो रखा है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मौसम कैसा हो रखा है। पूरा ख़राब हो रखा है और फिर चलते हैं पूजा करने और उसके बाद देखते हैं। सो यहाँ देखो पूरा मौसम ख़राब हो रखा है, पूरा मौसम देखो पूरे। तो फैमिली मेरा तो आप लोगों को पता है मेरा है फर्स्ट और मैं अपने बना रही हूँ मखाने और एक गिलास दूध पियेंगे और मम्मी लोग यहाँ पर खाना खा रहे हैं। आप लोगों को दिखाता है खाने में बना क्या है। सो ये लोग खा रहे खाना। आज बनाई है मम्मी ने मशरूम की सब्जी दही। ये देख रहे हो मशरूम की सब्जी और तो और आज तो पराठे बन रखे हैं, देख रहे हो पराठे। सो फैमिली यहाँ देखो ये तो भुन चुके हैं, भुन रहे हैं मतलब अभी। और इसमें करते हैं दूध गर्म। सो ये हो चुका है रेडी, ये हमारा पौष्टिक फूड जो कि हम अभी सुबह सुबह लेंगे। तो ये जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं इनको खाना चाहिए, मखाने वगैरह, इससे ना पौष्टिक रहती है पूरे दिन भर। मतलब इसके बाद आपको एनर्जी की मतलब कमी महसूस नहीं होगी। तो इसको हम ले लेते हैं और उसके बाद हम देखते हैं हम क्या करते हैं। सो फैमिली आज ब्रेकफास्ट किया नहीं तो फिर आज और भी कोई काम है नहीं, बर्तन बुर्तन वाले काम आज है नहीं। सो वो सारे काम तो मम्मी करी है। तो मम्मी ने बोला है कि तू फ्रिज साफ़ करे, तो मैं अभी आज फ्रिज साफ़ कर रही हूँ और आप लोग को भी दिखाते हैं कैसे हम क्लीन करते हैं, कैसे अच्छा लगता है। सो फैमिली यहाँ देखो पूरा क्लीन हो चुका है फ्रिज और क्या चमक रहा है ये। सो फैमिली मैंने अपना वाला काम तो कर चुका है क्योंकि और काम तो होता नहीं है। और आज तो सोने का भी नहीं है कि ब्रेक के दिन सोते भी नहीं है। और बाहर इतनी भयंकर बारिश हो रही है ना, इतनी भयंकर, आप लोगों को दिखाती हूँ। आप लोग तो वहाँ पर हो रही होगी तो बताना, ठीक है, कमेंट करना कि कहाँ कहाँ बारिश हो रही। यहाँ तो इतनी भयंकर बारिश हो रही है, ज़बरदस्त बारिश। यहाँ देखो इतनी तेज़ बारिश आ रही है और कभी कभी मैंने एक घंटा हो चुका है इस बारिश को ऐसे लगे हुए। पहले तो धीरे धीरे आ रही थी भयंक, अब पहले तो हल्की हल्की आ रही थी और अब देखो इतनी भयंकर आ रही है भाई। क्या गजब हो रखा मौसम, पूरे को वाइट हो गया। इसको देखो आप लोग ऐसे ही सोता ही हमेशा। मोमो बना रही हूँ और मोमो के साथ उसकी चटनी भी बना रही हूँ, ठीक है। तो देखते हैं, मैंने पहले ऐसे बनाया नहीं है तो मैं आज बना रही हूँ। अगर अच्छे बने तो ठीक है, नहीं बने तो भी मैं आपको बताऊँगी। घर में बनते हैं, वैसे लोग बोलते हैं ना घर में बन जाते हैं, तो मैं भी ट्राई करती हूँ। और मेरे पास ऐसे कोई स्टीमर वगैरह तो है नहीं, नॉर्मल जैसे बर्तन में रहते हैं उसी में करते हैं, बना के देखते हैं बनते हैं कि नहीं बनते। सो फैमिली स्टार्ट करते हैं बनाना। तो सबसे पहले हम मैदे का पेस्ट का करते हैं। तो मैदे का जो हमें मैदा कितना लेना है, क्या कितनी क्वांटिटी में लेना है, उसमें क्या क्या डालना है जिससे हमारे मोमोज बनेंगे। तो सबसे पहले मैंने एक कटोरी मैदा लिया है, तो एक कटोरी सा नमक, तो इतना डाल देना या थोड़ा सा स्वाद अनुसार जितना आप लोगों को सही लगता है। और उसके बाद हम इसको मिक्सअप करेंगे, एक साथ नहीं डालना है पानी, धीरे 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 हम इसका डो तैयार करेंगे। सो फैमिली ये देखो ये हो चुका है, इसको हमने गूंद दिया था और उसके बाद ऊपर से रिफाइंड लगा के इसको रख दिया। और ये है हमने जो जिसका जो अंदर का जो पूरे इंग्रेडिएंट्स है वो मोमोज के अंदर हम डालेंगे, वो है हमारे गाजर बारीक काट रखे हैं, ये है बंद गोभी बारीक, हरी मिर्च, लहसुन और अदरक। तो इसका हम बनाते हैं और आप लोग को दिखाते हैं। सो हम लेंगे एक पैन, सो अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल, जिसमें तेल हो चुका है गरम। इसमें हम डालेंगे सबसे पहले लहसुन, फिर हमारा बारीक कटा हुआ अदरक और
हरी मिर्च ज़्यादा नहीं करते हैं, हल्का हल्का करते हैं, इसलिए हम इसमें डाल देंगे बंद गोभी और हमारा गाजर भी। और इसको हल्का हल्का करते, ज़्यादा पकाते नहीं हैं, बस हल्का हल्का। तो इसमें नमक डालेंगे थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, हल्का डालेंगे, विनेगर डालेंगे। और थोड़ी सी डालेंगे इसमें काली मिर्च। जब तक हमारा वो बन रहा है मसाला, तब तक हम इसको ये चटनी तैयार कर लेंगे। और इसके लिए हम इसको ऐसे काटेंगे, चार टमाटर लिए हैं मैंने, और चार टमाटर को ऐसे काट के पानी में डाल देंगे और जो लाल मिर्च होती है सभी घर में होती है, सिर्फ लाल मिर्च को उसमें हम डालेंगे। सो यहाँ पर ये बन रहा है अभी, और यहाँ पर हमने रख दिया मोमो के लिए चटनी बनाने के लिए। सो यहाँ पर चार टमाटर रखे हैं और लाल मिर्च रखी। तो ये तो हमारा हो चुका है रेडी, और इसको हम प्लेट में खाली कर लेते हैं और इसको हम फैला देंगे पूरा ऐसे प्लेट में, ताकि जल्दी ठंडा हो जाए, फिर हम इसके मोमोज को रेडी करेंगे। और यहाँ देखो ये अभी बॉईल हो रहा है, अच्छे से होगा। देखो कुछ कुछ अब नीचे का साइड का हो चुका है, ऊपर का भी रह चुका है, तो पूरा हो जाएगा तब आपको दिखाएंगे। सो अब हम स्टार्ट करते हैं बनाना। देखो ये ऐसा हो चुका है बढ़िया सा, तो इसको हम छोटी छोटी लेंगे, और ये जितनी पतली होगी उतना ही अच्छा बनेगा, क्योंकि अगर ये ज़्यादा, अगर हम इसको मोटा बनाएंगे तो फिर ये इसमें खाली आप हमें मैदे मैदे का टेस्ट आएगा। सो इसको अच्छा बनाएंगे हम, और इसको लगेंगे यहाँ पे थोड़ा सा मैदा अलग रखना है इसके ऊपर से लगाने के लिए, ताकि हम इजीली इसको हम बेल सकें। सो हम बनाएंगे पतला पतला, आप देख सकते हो ऐसे ही हमें इसको बनाना है। और इसमें अब हम स्टफिंग भरेंगे। सो हमारी स्टफिंग ये, इसको हम भरते हैं इसमें। जो एक्स्ट्रा होगा उसको रिमूव कर देंगे, और फिर उसके बाद हम थोड़ा सा एक कटोरी में लेंगे थोड़ा सा पानी, और इसके पूरे साइड उस पर लगाएंगे, ताकि ईजिली आराम से चिपक जाए। तो इसको अब ऐसे यहाँ से उठाएंगे और इसकी ऐसी प्लेट्स बनाएंगे ऐसे। दोनों तरफ से प्लेट्स बनाएंगे, और आई का इसका पार्ट ऐसे चिपका देंगे। पूरा ऐसा चिपका देंगे। ये हो चुका है हमारा मोमो रेडी, तो रखते हैं हम साइड में। मेरा कुछ शेप है ना, ऐसा कुछ शेप के बनाए हैं। और ये मैंने रखा है थोड़ी सी नीचे से कढ़ाई रखी है, इंडक्शन में कर रहे हैं, पानी गर्म हो रहा है, उसके ऊपर से मैंने रखी है छन्नी वाली है, और इसके ऊपर रखेंगे कांच का हम कुछ चीज़ जिससे भाप बन जाए। इसमें आप लोगों को दिखाते हैं, हमने जो चटनी के लिए उबाला था ये उबल चुका है। अब इसके हम टमाटर जो है उसको निकालेंगे, इसमें निकालते हैं प्लेट में, और इस पानी को हम फेंक देंगे। इसके हमें छिक्कल जो है ये तो हमें अलग कर देंगे, जो टमाटर के छिक्कल है जो बाहर का इसकी कवरिंग है उसको हमें अलग करनी है। ऐसा अलग हो जाएगी, जैसे वो बन जाता है उसके बाद ये तुरंत अलग हो जाती है। और इसको अब इसकी हम चटनी बनाते हैं और दिखाते हैं आपको।
टमाटर और जो हमारी हरी मिर्च इसको हम करेंगे मिक्सी में ग्राइंड कर लेते हैं, फिर हम उसमें और चीज़ सामान आपको दिखाते हैं कैसे बनाना है। सो ये तो कर दिया हमने ग्राइंड, अब इसको इसमें डालेंगे। इसमें लहसुन और तेल मैंने इसमें रख दिया था, तब मैं ग्राइंड करने चली गई थी। अब ये हो जाएगा, फिर उसके बाद हम इसमें मसाले डालेंगे, जो मसाला हमने पीस रखा है। तो अब देखो लहसुन हो चुका है हमारा, अब हम करेंगे गैस कम और इसमें हम डाल देंगे जो हमने पीस रखा है अभी। विनेगर थोड़ा सा हमने इसमें विनेगर ऐड कर लिया है और थोड़ा सा हम डालेंगे नमक, नमक को जल होना चाहिए स्वाद अनुसार। और इसी में हम थोड़ी सी डालेंगे चीनी ताकि उसके जो खट्टापन है उसको मैनेज कर ले रात की चीनी, और इसको हम मिक्सअप कर लेंगे और थोड़ी सी गैस को हम बढ़ा देंगे। सो फैमिली मोमोज की चटनी तो रेडी हो चुकी है और मोमोज अभी यहाँ पर रेडी हो रहे हैं। देखो अब मुंह में पानी आया। सो फैमिली फाइनली ये स्टीम हो चुके हैं, अब इनको हम सर्व करके दिखाते हैं आपको। सो ये मैंने कर चुकी है सर्विंग प्लेट रेडी, और लोग भी देखो। तो इसको हम लेके आते हैं, पापा को टेस्ट कराते हैं कैसे हो रहे हैं। पर चक्के देखो कैसे हो रहे हैं। सो पापा टेस्ट करेंगे या फिर हमें बताएंगे इतना टाइट कि कैसे हो रही हैं। मिर्च हो रही। अच्छा मिर्च वाली तो है वो चटनी, क्या कहते हैं इसको, मोमोज। बढ़िया रे। अब हम इसको भैया को टेस्ट कराएंगे। तो ये अभी आया है ऑफिस, इसको हम टेस्ट कराते हैं, अभी ये रेस्टिंग मोड में है। क्या हो रहे बढ़िया हो, दो दो खा गए। सो फैमिली जैसे आप सभी को बताया ने मोमोज बनाए थे आज, और पापा लोग मेरा तो फास्ट है तो मैंने तो नहीं खाया, मैं शायद नहीं भी खाऊंगी क्योंकि उसमें मैंने अदरक भी वो लहसुन भी डाला, तो लहसुन तो बस किसी खाते नहीं है। सो मैं तो नहीं खाऊंगी, मम्मी खाएगी बाद में, अभी मम्मी कहीं गई है। तो पापा लोग कह रहे थे अच्छे बने हैं, और चटनी भी, चटनी तो सच में बहुत टेस्टी बनती है। चीज़ चटनी मैंने पहले ही बनाई थी और बिल्कुल आपको ना ऐसे मोमोज की चटनी होती है उसका टेस्ट आता है, बहुत यमी बनती है और कितनी ईजी है, 5 मिनट में रेडी भी हो जाती है। सो आप लोग भी ट्राई करना बना के बनाने का, और ईजी है, बन जाते हैं मोमोज बनाना भी, कोई टफ नहीं है। मेरे को तो नहीं लगा कोई टफ है, ईजी है, कोई ज़्यादा वैसा नहीं है। सो मैंने तो टेस्ट नहीं करेंगे, पापा लोग बताए थे बहुत टेस्टी बने, और आप लोग बताना आप लोग कैसे लगे। लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखना। बाय बाय।